दोस्तों नीदरलैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच होगा मैच, और ये सेकेंड मैच है ट्राई सीरीज का। ठीक है, फर्स्ट मैच जो हुआ था उधर नीदरलैंड ने विन किया था, हमने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली। अब इस मैच में कौन सा टीम बेटर है? देखो आयरलैंड टीम ना बहुत बेटर टीम है इस मैच में। इंटरनेशनल रैंकिंग ही हम लोग बात करेंगे, आयरलैंड का इंटरनेशनल रैंकिंग 11 है, वहीं पर इनका ओपनिंग दोस्तों नीदरलैंड का 15। बट नीदरलैंड रिसेंटली स्कॉटलैंड को हराया जिसका रैंकिंग 13-12 था शायद। और ये जो नीदरलैंड टीम है ना, ये इम्प्रूव्ड साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा क्रिकेट आपको दिखेगा। कौन सा प्लेयर मस्ट पिक है, कौन सा प्लेयर डिफेंशियल है, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में क्या कम्बिनेशन बना सकते हो, इस पिच को लेके मेरा ऑब्जर्वेशन सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में। जस्ट आपको 10-12 मिनट देना है इस वीडियो को, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उससे आप खुद भी खेल सकते हो। मैं एक चीज़ शुरू में बता रहा हूँ आपके लिए, मैंने एक छोटा सा टारगेट रखा है 100 लाइक्स 100 कमेंट्स का। ये टारगेट अचीव कराने में हेल्प करना, स्पेशली दोस्तों 100 कमेंट्स वाला टारगेट अगर पूरा करते हो तो मैं इस मैच का डेमो टीम आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। और इसी के साथ 100K फैंटेसी दुनिया मेंबर्स टारगेट है, मतलब 100K यूट्यूब सब्सक्राइबर। और इस रीज़न से मैं आपको मैक्सिमम स्पेशली एसोसिएट्स के कवरेज करूंगा, और मेरा सबसे ज़्यादा जोर रहता है एसोसिएट्स में। लास्ट डे हमारा जो मैच था वो बहुत तगड़ा था, एक्सचेंज पे विनिंग भी मैंने शेयर किया स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे। जुड़ सकते हो और फॉलो कर सकते हो फैंटेसी दुनिया फैमिली को। आते हैं एनालिसिस में। द हेग एम्स्टर्डम 150 एवरेज स्कोर, यहाँ पे एक मैच एक बार बैट फर्स्ट ने विन किया। देखो स्ट्रॉन्गर टीम बैट फर्स्ट करता है तो वो विन करेगा, चेस करता है तो भी वो विन करेगा। नीदरलैंड अपना सेकेंड मैच खेलेगा, इनसे ना जो ये बंदा है ना, मैं देखो ये बैटिंग ऑर्डर है स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, माइकल लेविट। इसने ना रिसेंटली नेपाल में जाके बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, ये बंदा इनफॉर्म है, लास्ट मैच में भी 43 किया। और इंटरेस्टिंग बात है ना, ये बहुत सारा कैचेस लिया। ये जो पोजिशंस होते हैं ना कैचेस की, इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हम लोग को अगर दो कैच निकाला तो 16 पॉइंट्स मिलेगा, जो आपको नियर अबाउट 13-14 रन के हिसाब से 13-14 रन का 200 पॉइंट्स दे जाता है। तो लेविट को हम लोग अपर हैंड मानेंगे। मैक्स और डॉइट क्वालिटी वाइज एक्सपीरियंस वाइज बहुत बेटर है, 29 का एवरेज है 16-51 रन है T20 में, बट रिसेंट फॉर्म इस बंदे का ज़्यादा अच्छा है। नेपाल में दोनों खेला था लेविट और ओडॉइट दोस्तों, बट हाँ ओडॉइट ने अच्छा नहीं खेला, लेविट ने अच्छा खेला। स्कॉटी एडवर्ड्स अच्छा प्लेयर है, अब वन डाउन भी बैटिंग कर रहे हैं दोस्तों, और ये विकी भी करेगा, ले सकते हैं हम लोग। फील्डिंग से भी पॉइंट्स देंगे, 20 का एवरेज है 671 रन, बट ना T20 में समाव मुझे लगता है कि थोड़ा सा शाई है, मतलब थोड़ा सा लेस परफॉर्म करते हैं। ODI होता तो मैं ज़रूर ले लेता, और यहाँ पे थोड़ा सा आप रिस्क लेके ड्रॉप रोटेट कर सकते हो इस बंदे को। अच्छा प्लेयर तो है, विकी से वैल्यू दे सकता है, स्पेशली वेल फील्ड फर्स्ट ज़्यादा सही है। विक्रमजीत सिंह लास्ट मैच में 39 बैटिंग से किया, 1 ओवर 0 विकेट। अभी इस मैच में ये ना लेफ्टी बैटर है, हो सकता है हैरी टेक्टर बॉलिंग के लिए आएगा। लास्ट मैच में जो ओपोनेंट के साथ था उसका वो टीम उतना स्ट्रांग नहीं था कंपेयर टू आयरलैंड। आयरलैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग टीम है, आयरलैंड के पास जो पेस सेट है ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत तगड़ा है, इवन पाकिस्तान को भी ट्रबल किया। तो दोस्तों इनको भी लॉजिकली ट्रबल करना चाहिए। टीजा निदामनारू 19 रन बनाए थे लास्ट मैच में। लोगन वैनविक, ये अगर बॉल फर्स्ट होता है तो कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि ये ना पावर प्ले में डालेगा, थोड़ा अर्ली स्विंग फिर डेथ में डालेगा। उधर भी दोस्तों कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा, विकेट मिल सकता है क्योंकि बैटर हिटिंग करने का कोशिश करेगा, इतना एक्सपीरियंस है ये बंदा, न्यूजीलैंड में जाके क्रिकेट खेलता है तो वहाँ पे भी वैल्यू देगा। प्लस इस मैच में जो अटैक है आयरलैंड का, इसका बैटिंग आने वाला है पक्का, इतना तो मुझे पता है। तो दोस्तों उधर भी आपको 10-12 रन बनाते हुए दिख सकता है लोगन वैनविक। तो समाव ना मेरा मानना है कि वन ऑफ द सेफेस्ट कैप्टन में से रहेगा इस मैच के लिए वैनविक। T20 में 30 का एवरेज, 30 मैच में 63 ओवर 21 विकेट, अच्छा प्लेयर है। मैं तो बॉल फर्स्ट बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इंग्लिश में भी काउंटी वगैरह खेलता है। अरियन दत्त 4 ओवर में विकेट लेस बट 2 रन, ये प्लेयर अच्छा है, कुछ ना कुछ वैल्यू देता है। अगर आप ओपोनेंट देखोगे तो राइटी डोमिनेटेड बैटिंग यूनिट है, तो फिलहाल मैं दत्ता को नहीं लूँगा, बट ये ना अच्छा बॉल डालता है, ये डिफेंसिव लाइफ बहुत अच्छा डालता है। एलन अटैक करने की कोशिश करेगा ना, विकेट मिल सकता है इसको क्योंकि अच्छा डिफेंसिव बॉलर है। पॉल वैन मिकरेन बॉल फर्स्ट जहर पीक है, लोअर ऑर्डर हिटिंग भी करेगा, बॉलिंग तो पक्का करने वाला है दोस्तों, अच्छा है और डेथ में भी आएगा, इस मैच में करना चाहिए डेथ, बढ़िया प्लेयर। डैनियल डोरम ने लास्ट मैच में 4 ओवर में 2 विकेट निकाला, लिस्ट में 11 मैच में 19 विकेट, डिफेंशियल ले सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस। लिस्ट फर्स्ट क्लास वगैरह में बहुत तगड़ा क्रिकेट खेल के आ रहा है ये बंदा डैनियल डोरम, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं हम लोग, सिलेक्शन भी इसका कम रहेगा। और ऐसे प्लेयर्स अक्सर ना हमारे लिए पन साबित होते हैं। रिसेंटली इन्होंने नीदरलैंड वगैरह के लिए ही दोस्तों लीवर्ड आइस वर्सेस विंडवर्ड, मतलब वेस्ट इंडीज में दोस्तों इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ रहा है, तो वहाँ पर क्रिकेट खेला है डोमेस्टिक, तो कुछ तो प्लेयर में क्वालिटी होगा, यूज़ कर सकते हो।
विवियन किंगमा चार ओवर में चार विकेट, बट मैं इस मैच में नहीं लूंगा। 14 T20 में 14 विकेट, बॉलिंग सेकंड तो ड्रॉप ही करो, बॉल फर्स्ट सोच सकते हो, बट मैं फिलहाल नहीं लूंगा। ओपनिंग बॉलिंग, क्योंकि ये टीम ज़्यादा स्ट्रांग है, लास्ट मैच में जो ओपोनेंट था बहुत वीक था। ओपनिंग बॉलिंग की दत्ता किंगमा लोगन वैनविक, डेथ में दोस्तों किंगमा हरियन दत्ता लोगन वैनविक। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन से देख सकते हो किंगमा ने एक ओवर पीछे डाला। लॉजिकली मुझे जितना लगता है दोस्तों, जितना क्रिकेट पता है, लोगन वैनविक और पॉल वेन मिकारेन, ये दो बंदा इस गेम का आइडियल डेथ बॉलिंग ऑप्शन है। विप किंगमा शायद इस मैच में 3 ओवर डालेगा। दत्ता दोस्तों मुझे लगता है कि ये पावर प्ले में करेंगे, कुछ ओवर कुछ मिडल में, डोराम प्रॉपर मिडल ओवर में डालेगा। विक्रमजीत सिंह का बॉलिंग से गारंटी मत रखो, ऑलराउंडर नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर है। ये कुछ बेंच में प्लेयर बैठे हुए हैं, एंगलब्रेट सही में यार लास्ट मैच में इसको बेंच में बैठा दिया टीम ने, सबसे बेहतरीन प्लेयर था एंगलब्रेट, खेलता है तो बैटिंग स्ट्रांग होगा। T20 में 57 का एवरेज है, 5 मैच में 172, वो ये भी नेपाल में बहुत अच्छा खेल के आ रहा है। बीडी लीडी बढ़िया प्लेयर है, खेलता है तो मस्ट पिक, 32 मैच 610 रन 56 ओवर 27 विकेट। इस टीम का दोस्तों ट्रम्प कैप्टन पिक है, क्योंकि ये बंदा डेथ में आता है लोगन वैनविक के साथ। फ्रेड क्लासन 39 मैच में 43 विकेट, एक और विकेट टेकिंग बॉलर है इनके पास। वेस्ली बरेसी टीम प्रिंगल का रिकॉर्ड है यहाँ पे। आयरलैंड अगर देखते हैं, एंडी वेलब्राइन ओपन करेगा, पॉल स्टर्लिंग, लॉर्कन टाकर, हैरी टक्टर, क्यूटिस कैम्फो, जॉर्ज डॉक्रेल, गैरेट डिलानी होगा बैटिंग ऑर्डर। अगर ये टीम देखते हो, एंडी वेलब्राइन आपको ओपन करते हुए दिखेंगे दोस्तों। मेलबर्नी 104 T20 में 24 का एवरेज 2200 रन, रिसेंट फॉर्म 35 16 77, और ये फॉर्म वेल्ले वाली टीम से नहीं आया था, ये फॉर्म पाकिस्तान के अगेंस्ट आया था, क्वालिटी है। पॉल स्टर्लिंग खेलता है तो लेंगे, 28 का एवरेज इसका भी है। पाकिस्तान के अगेंस्ट थोड़ा सा खामोश था, बट ये क्वालिटी वाइज इतना सॉलिड प्लेयर है ना, दोनों अच्छा प्लेयर है। मेलबर्नी तो टेक्निकली भी साउंड है। लॉर्कन टकर पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा क्रिकेट खेल के आ रहा है इधर, तो दोस्तों लॉजिकली ज़्यादा अच्छा खेलना चाहिए, बैटिंग से पॉइंट देगा, विकी से वैल्यू देगा, मस्ट पिक है, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कम्पेयर टू स्कॉटी एडवर्ड्स। स्कॉटी एडवर्ड्स टेस्ट में ज़्यादा अच्छा करता है ऐसा मुझे, सॉरी टेस्ट नहीं, वनडे में ज़्यादा अच्छा करता है। टकर दोस्तों बोथ फॉर्मेट, स्पेशली T20 में तो ज़्यादा अच्छा है। हैरी टेक्टर बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, स्पेशली व्हाइल बैट फर्स्ट, चलो एक बार सोच सकते हो KFBC का, बॉलिंग कम करते हैं इंटरनेशनल में, बट यार बॉलिंग बैटिंग सेकेंड इनिंग्स में होता है ना, एज अ प्लेयर रखने से रखो, अदरवाइज रोटेट कर सकते हो। क्यूटिस कैम्फो ये ना बॉलिंग कम करता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी स्लाइडली बॉलिंग कम किया था, थोड़ा सा नंबर ऑफ बॉलर देख लेना, 3 पेसर 4 पेसर, कितना पेसर खेल रहा है टीम के पास, 50 मैच 779 रन, 110 ओवर 27 विकेट, क्वालिटी वाइज तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। गैरेट डिलानी कुछ ओवर्स डाले थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, कुछ मैच में ओवर नहीं डाला, लोअर ऑर्डर हिटिंग कर रहा था, इसका रिसेंट फॉर्म बॉलिंग से अच्छा नहीं चल रहा है। डॉक्रेल ये भी ओवर कंप्लीट नहीं कराता है, कुछ कुछ ओवर डालता है। ये डॉक्रेल डिलानी और कैम्फर मिलके दोस्तों फोर्थ बॉलर बनते हैं इस टीम का, फिफ्थ बॉलर सॉरी। मार्क अदायर सबसे बेहतरीन प्लेयर है पाकिस्तान के अगेंस्ट भी, 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, और ये बैट फर्स्ट हिटिंग भी करेगा, बढ़िया प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन, 80 मैच में 112 विकेट। बैरी मैकर्थी 50 मैच में 51, बहुत ही इंप्रूव्ड प्लेयर, ये लोअर ऑर्डर हिटिंग भी कर लेता है। क्रेग यंग एक और विकेट टेकिंग ऑप्शन, ये जो ट्रायो है ना इनका, बैरी मैकर्थी, मार्क अदायर और क्रेग यंग, ये बहुत अच्छा ट्रायो है, और इसके अगेंस्ट रन करना मुश्किल है। इवन पाकिस्तान को भी दोस्तों इन्होंने अच्छा बॉल डाला, क्रेग यंग ने भी विकेट निकाला। बेन व्हाइट अच्छा लेग स्पिनर है, 26 T20 में 29 विकेट, नेपाल में जाकर क्रिकेट खेल के आ रहा है। यहाँ पे कई और प्लेयर्स हैं, रॉस अदायर, नाइल रॉक, ग्राहम ह्यूम, चांसेस कम है। 2021 में लास्ट 8 to 8, मतलब नहीं बनता बहुत पहले, मैक्स ऑडवाइट 51 बनाया था, 21 पीटर सीलर, 106 पे ऑल आउट नेदरलैंड। फ्रेड क्लासन, ब्रैंडन ग्लोबर, पीटर सीलर 1 विकेट ईच, और आयरलैंड ने 107 रन चेस कर लिया था, डिलेनी ने 44 और स्टार्लिंग ने 30। बेस्ट बॉलर था कुर्तिस कैम्फो, बट तब थोड़े से ज़्यादा बॉल करते थे, अभी तो ये बॉलिंग बहुत कम करने लगे दोस्तों। मार्क अदायर का 3 था, जॉश लिटिल 1। अब चलते हैं हम लोग ड्रीम 11 टीम में, लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, और जुड़ जाओ टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक ऐड कर दूंगा। दोस्तों फिलहाल जो मेरा ड्रीम 11 का टीम रहेगा ना, देखो ये बिफोर टॉस वाला टीम है, कैप्टन वैनविक, वाइस कैप्टन अदायर। अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है इनका तो इनको कैप्टन बना के इनको VC बना सकते हो। अगर आयरलैंड का बॉलिंग फर्स्ट होता है तो सेफेस्ट कैप्टन रहेगा अदायर, और उस कंडीशन में VC या बेलब्रैंडी या फिर टकर को भी यूज़ कर सकते हो। टकर एज अ बैटर लिया, शायद स्कॉटी एडवर्ड्स को आप रोटेट करना है तो कर सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस, एक रिस्की बट लॉजिकल चॉइस। लेविट का फॉर्म देखते हुए मैंने लिया, बट इसको अभी क्वालिटी बॉलिंग फेस करना पड़ेगा, तो लेविट को भी रोटेट कर सकते हो इफ़ यू वांट, और क्वालिटी पेस। पॉल वेन मिकारेन बॉल फर्स्ट मस्ट पिक है, बॉल सेकेंड स्टिल ड्रॉपेबल है। क्रेग यंग बैडी मैकर्थी खेलता है तो मस्ट पिक,
पॉल स्टर्लिंग, हैरी टेक्टर, मैं ये चार प्लेयर को नहीं छोड़ सकता। ये टीम मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। नीदरलैंड, सॉरी आयरलैंड, आयरलैंड की फेवर में टीम बनाएंगे। बेन व्हाइट अगर खेलता है तो उसको ऐड कर सकते हो, वो आफ्टर टॉस कॉल लेना है, ठीक है, क्योंकि ऑयल नीदरलैंड टीम उतना स्ट्रांग मुझे नहीं लग रहा है। बेन व्हाइट को भी विकेट मिल सकता है, हो सकता है कि वीकलिंग देख के चार्ज करे और उसको फ्री फोकट का विकेट दे दे, ये एक पॉसिबिलिटीज है, तो उसको हम लोग चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये रहेगा मेरा टीम इस मैच का। कुछ भी और अपडेट हुआ, नेक्स्ट मैच के जो कवरेजेस होंगे, अपडेट होगा या फिर होगा डेमो टीम, आपके साथ मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पे। गाइस आपको जुड़ना है टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है। चलो मिलते हैं मैच टाइम पे, थैंक यू दोस्तों।